प्रदेश की विष्णुदेव सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रत्याशियों के चयन के लिए चुनाव के अलावा वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है। इस संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाएगा और सुझाव भी लिए जाएंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस ओर संकेत देते हुए कहा कि हम सभी पंचायतों में महतारी सदन बनाने वाले हैं। भाजपा शासन के दौरान नक्सली हिंसा बढ़ने की भूपेश बघेल की टिप्पणी पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पिछले शासनकाल में 257 सड़कों में से 1 इंच भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। भाजपा नेताओं की हत्या और नक्सलियों से बातचीत पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही है, मैं भी ये समझना चाह रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है, उन्हें अंतर कैसे पता। पंचायती राज माध्यम के माध्यम से जो काम होते हैं, हम लोगों ने अभी जो सोच कर रखा है यहाँ करने के लिए कि महतारी सदन बने, सभी पंचायतों में महतारी सदन बने। तो महतारी सदन का आशय ऐसा है कि एक ऐसा भवन, हर जगह गांव में जाते हैं ये बात होती है, बार बार आती है, महिलाएं ये कहती हैं कि हमारे बच्चे पर जगह नहीं है, वो मोहिम सब बोगरी आ रहे हैं, हम उनका अमर बैठ गो, हमारे मन पर बैठक कर गो, हमारे जगह नहीं है, ये बात हमेशा आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने में आग्रह करें तो बिल्कुल हम स्वीकार भी करें कि ठीक बात है, एक ऐसा भवन जो महिलाओं के लिए हो। तो भाई जब देश की सर्वोच्च संसद में भी स्थान उनका निर्धारित है, जब विधानसभाओं में भी उनका स्थान निर्धारित है माताओं का, बहनों का, महिलाओं का, तो उनके अपने गांव में भी एक स्थान निर्धारित होना चाहिए, ये भाव तो रखा गया। उसमें कॉन्सेप्चुअली कई चीजें रख रहे हैं, एक एस एच जी स्व सहायता समूह भी मिल जाए जो ऐसे भी चलाता हो, सी एस सी सेंटर चलाते हो, जिससे जो पंजीकरण के विभिन्न कार्य है वहां पर संपादित हो सके, बच्चों के खेलने का एक स्थान हो, ऐसा एक प्रारंभिक तौर पर किया जा रहा है। ये भी काफी महंगा हो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के दौर में अपन लगभग 700-800 पंचायतों में सर्वप्रथम इसको कर रहे हैं, जो 3000 की जनसंख्या से अधिक वाले पंचायत है वहां पर कर रहे हैं, और इसके बाद फिर इसको ग्रेजुअली आगे बढ़ाया जाएगा। पंचायतों के लिए कोशिश ये हो रही है कि फाइबर ऑप्टिक केबल गाँव तक जहाँ तक पहुंचा हुआ है, उन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के माध्यम से वहां पर फ्री वाईफाई जोन भी हम बना कर दे सकें, लाइब्रेरी बना कर दे सके, लाइब्रेरी बनाने के लिए भी काफी कवायद हो रही है, वाईफाई जोन बनाने के लिए भी अभी तो पंचायत भवन के अंदर हमको मिल रहा है, बाद में ये कोशिश करेंगे कि एक पूरा एरिया वाईफाई जोन का हो, जिसमें टाइम पीरियड में वाईफाई जोन पूरा फ्री मिल सके, ताकि लोग उस पर बैठकर अध्ययन अध्यापन का काम कर सके नौजवान साथी। तो एक ये मसला है, और ऐसे विभिन्न मसले हैं जिन पर लोगों को बताना है, आने वाले समय में ताकीद रहे। यह भी बताना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनती हैं, चाहे वो पीवीटीजी एरियाज में हो या दूसरे एरियाज में हो, प्लेन एरियाज में हो, ये जो सड़कें बनती हैं, इन सड़कों पर भविष्य में नेता का बेटा नहीं चलने आएगा, ना ही अधिकारी का बच्चा चलेगा, इसमें आपके गांव के लोग ही चलेंगे, और इसलिए ये रोड अच्छा बने इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है, चिंता आपको भी करनी है। ये इसमें अगर कोई असुविधा होती है, कोई परेशानी दिखती है, तो प्रॉपर फोरम है, उस फोरम पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ना कुछ कार्यवाही हो तो मुझे बता सकते हैं, यह भी बताना है गांव वालों को। तो इन सारी बातों को एकीकृत करते हुए, विशेष रूप से मैं आपका ध्यान आकर्षण पहले भी इस विषय पर कराया हूँ, और अभी एक बात और कहना चाहता हूँ कि लगभग 250 ऐसी सड़कें जो विगत 5 से 6 सालों से बंद पड़ी थी, बस्तर की 900 किलोमीटर उसकी लंबाई थी, जो बहुत अंदर के एरिया में आवागमन की सुविधा मुहैया कराने वाली सड़कें हैं, तो उन सड़कों के लिए भी जो किया जा रहा है, 23 सड़कें अभी काम शुरू हो गई, 23 सड़कों में काम, उसमें काफी आपको सुरक्षा मुहैया कराना पड़ता है, 23 सड़कों पर काम शुरू हो गया है। पीवीटीजी एरिया में भी अभी 200 तक की जनसंख्या वाले गाँव तक हम सड़कें ले जा रहे हैं, तो 333 सड़कें वो भी है जो अभी उस पर काम शुरू हो चुका है, वो काम किया जा रहा है। 100 दिनों में 65,615 आवास पूर्ण हुए, ठीक, इसमें 457 करोड़ रुपए दिया गया है, अभी 711.05 करोड़ की राशि इसके लिए निर्माणाधीन है, इसके लिए मैंने निर्माणाधीन आवासों को दिए जा रहे हैं। पीवीटीजी के लिए 26,357 परिवारों को आवास दिया गया है,
ये भी अभी 100 दिन के अंदर आता रहता कुछ। तो आप एक देख सकते हैं कि 65,615 एक है, 26,357 एक है, और इसमें और कुछ आगे एक्टिविटी इसमें भी आगे स्वीकृति होना इस जनमन योजना के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री आवास जनमन योजना के अंतर्गत और ये वाले आवास अलग है जो पूर्ण हुए। इसके अतिरिक्त हमारे 18 लाख आवास जो है उसमें आपको ध्यान है कि एक आवास है 2011 की सर्वे सूची के आधार पर, एक लिस्ट है लगभग 7-8 लोगों की, दूसरी लिस्ट है 2016 की एक सूची बनी हुई है उसके आधार पर, और तीसरी जो है जिसमें आवास के लिए दिए जाने वाले किश्त रोक दिए गए थे, स्वीकृत थे 2 लाख आवास किश्त रोक दिए गए थे, तो हमारे 16 लाख आवास के बाद 2 लाख इन आवासों को मिला करके 18 लाख आवास होता था। तो वो स्वीकृत आवास जितने थे उसमें से 65,615 को राशि दे दी गई। अतिरिक्त जो राशि है, हाँ, केंद्र वाली जो आप बात कर रहे हैं स्वीकृति नहीं मिली है करके, केंद्र में पहले 2,95,00,000 आवास बनकर बट गए। छत्तीसगढ़ के को दिए जाने वाले आवासों की कुल संख्या में से जब उन आवासों को नहीं लिया गया तो उसको वापस दिया जा चुका था, देने के बाद उन आवासों को अन्य राज्यों में बांटा जा चुका था, केंद्र के पास अपना कोई आवास था नहीं होने के बाद केंद्र के माध्यम से केंद्र ने अभी फिर से 2 करोड़ नए आवास देने की घोषणा की है, वो उनके बजट के प्रावधान में है। हमारी बात हो चुकी है, हमारा आवेदन भी जा चुका है और हमको एश्योरेंस भी दिया जा चुका है कि पहला किस्त तो छत्तीसगढ़ को ही दिया जाएगा करके। 2 करोड़ है हमको तो सिर्फ 16 लाख की है केंद्र से, हमको अभी वर्तमान में सिर्फ 16 लाख की है तो वो हमको प्राप्त होंगे, उसमें भी कोई संशय नहीं है। अब ये मार्च का महीने निकलेगा, अप्रैल से नया बजट शुरू होगा और उस अप्रैल बजट से एक सारा काम शुरू। जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो उन लोगों ने कहा था कि 500 रुपये प्रति हर एक महिला को देंगे, नहीं, कुछ नहीं था। दूसरी बात, जब अभी जो चुनाव हुआ तो हमने तो कहा था कि 12,000 रुपये सालाना देंगे, उन्होंने कहा कि 15,000 रुपये सालाना देंगे, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कटाक्ष जो है ना, मतलब आप सुने भी ना उनकी बात को तो ज़्यादा है। 43 भाजपा नेताओं को सुरक्षा दी गई, ऐसा नहीं लगता कि और लोगों को भी सुरक्षा दिया जाना चाहिए? निसंदेह सही कह रहे हैं आप, और भाजपा या कांग्रेस का कोई इसमें सरोकार नहीं है, कांग्रेस के भी नेताओं को सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा तो सुरक्षा है भैया, जीवन तो जीवन है, वो चाहे किसी का हो उसमें कोई ये बात नहीं है। जिसकी आवश्यकता होगी उसको फिर से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और पूरा प्रयास ये होगा कि हर तरफ सुरक्षा का ही माहौल हो ताकि अतिरिक्त किसी को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता ना हो। केंद्र की सरकार ने आरक्षण लाया है लोकसभा और विधानसभाओं में, ये बंधन के बारे में कहें आप, ऐसा इतना सामर्थ्यवान उनको हम बनाना चाहते हैं। इसी दिशा में प्रत्येक पंचायत में महतारी सदन प्रारंभ होगा और उसी तारतम्य में आप देखें कि आज महतारी वंदन योजना ये प्रारंभ हो गया है और 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को साल में 12,000 रुपया दिया जाना यह प्रारंभ किया जा चुका है। जी आज बीजापुर गए थे, नक्सली फिर नेताओं पर हमला कर रहे हैं, अभी भी वार्ता के लिए रास्ता खुला है? देखिए मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि नक्सलियों में अधिकतम लोग जो बहकावे के कारण हैं, दबाव के कारण हैं, उनसे वार्ता का समय सदैव खुला है, आधी रात को खुला है और बिल्कुल सरकार हर समय ये तैयार है। ये जो कुछ हो रहा है ये दुखद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बस्तर के गांव में अगर अस्पताल खुल जाए, बस्तर के गांव में अगर स्कूल खुल जाए, वहां तक आने जाने के लिए सड़कें बन जाए ताकि कोई बीमार हो तो जल्द से जल्द उसको इलाज मुहैया कराई जा सके, वहां शुद्ध पानी मिल जाए, वहां पर बिजली पहुंच जाए, वहां मोबाइल का नेटवर्क पहुंच जाए, तो क्या गलत है इसमें? क्यों रोका जाता है इन बातों को?